हेलो विवर, जय श्री कृष्णा। आज हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने आधा किलो दूध लिया है और उसको हमने बॉईल कर लिया है और इसमें उबाल आ गया है। अब इसको चलाते हुए गर्म करेंगे और इस पे मलई नहीं आनी चाहिए। देखो ये साइड में जो आ रहा है, इसको साइड में लेते हुए इसको बॉईल करना है ताकि ये लगे भी नहीं और इस पे मलई भी नहीं आए। तो और इसका फीका मावा बनाना है हमें, तो चलाते हुए गर्म करते रहेंगे और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, फीका मावा बन जाएगा, तब तक हमें इसको गर्म करना है चलाते हुए। देखिए अब ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है और मावे की कंसिस्टेंसी पे आ गया है और इसको हमें चलाते हुए करीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। तो अब ये बनने के लिए तैयार है और इसको अपन ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको, फिर अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। अब हमारा ये मावा है जो ठंडा हो गया है, अब हम इसमें आटा मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा, रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से इसको अपन थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे, ज्यादा नहीं डालना है। इसमें हमारे 2 चम्मच आटा लग गया है, अब इसको हम अच्छी तरह से डो की तरह बनाएंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हमें इसे गोल गोल गुलाब जामुन की छोटी छोटी गोलियां बनानी है। इसको एकदम स्मूथ बनाना है, इसमें बिल्कुल गांठे नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमें ये सारी गोली बना के तैयार करनी है। देखिए अब हमारी ये गुलाब जामुन की बॉल्स बनके तैयार हो गई है और ये 1/2 किलो दूध में 13 पीस बने हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है और पानी को गर्म होने के बाद में हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, 1 कटोरी हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसको चलाते हुए गर्म करेंगे ताकि शक्कर नीचे लगे नहीं। और इसको चलाते हुए गर्म करते करते हम इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें इलायची 2 इलायची को कूटकर डालेंगे ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए इलायची की। और इसको धीरे धीरे चलाते हुए हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम अपने गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। अब हमने घी गरम करके इसमें ये सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं और घी को गरम करके सिम गैस में इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पकाएं, ब्राउन होने तक पकाएं। इसको ब्राउन होने तक पकाएं, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सिम गैस में पकाएं इसको। अब देखो हमारी ये गुलाब जामुन ब्राउन ब्राउन होने लग गए हैं। इसको चारों तरफ हम चलाते हुए हमने इसको पकाया है। अब हम इसको बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे। अब हमारी ये जो शक्कर की हमने जो चाशनी बनाई थी वो भी तैयार हो गई है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हमारे गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है इसको, थोड़ा गर्म रहना चाहिए, तो भी ये हमारे गुलाब जामुन रस चाशनी को मीठा शक्कर को पी पाएंगे। अब हमारी चाशनी ठंडी हो गई है थोड़ी, तो अब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए अंदर छोड़ देंगे, तब तक ये थोड़े फूल जाएंगे और सारा रस पी लेंगे। अब देखिए
हमारे गुलाब जामुन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सब परिवार के साथ बैठ के खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।